तो हर एक्टिविटी की एक रीजनिंग आप दोनों बता पाते हो, विच आई थिंक अ वेरी रेयर और थिंग। मैंने बहुत कुछ निकिता जी से सीखा है। पहली बार तो बहुत डर लगा कि बात कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट आज की तारीख में बोलो तो लवजीत इज अ वेरी चैटर बॉक्स। हाय एवरीवन, आई एम पूर्वा, क्ले लैब्स को फाउंडर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात विद आवर स्टार पेयर्स, एंड टुडे वी हैव अ पेयर दैट ट्रूली आर द स्टार्स ऑफ क्ले लैब, Nikita Didi and Lovjeet. So welcome both of you. Thank you so much for joining. We're very, very excited to talk to you both. I would have introduced both of them and talked about कितने अच्छे हैं ये दोनों, but I want both of you to introduce each other. So my mentor name is Nikita Didi, Nikita Singh. So I love to interact with Nikita Didi when we are telling stories and other people or my story. अगर मैं अपनी बात करूं और निकिता जी की बात करूं तो जो मेरे में चेंजेस आए हैं शायद वो निकिता जी के थ्रू आए हैं चेंजेस। और निकिता जी की बात करूं, निकिता जी बहुत लंबे समय से क्ले लैब के साथ जुड़ी हुई है और पिछले 6 महीने से निकिता जी मेरे मतलब मेरी मेंटर हैं और फर्स्ट मॉड्यूल में मेरी सुपर मेंटर भी रह चुकी हैं और मैंने बहुत कुछ निकिता जी से सीखा है और मतलब बहुत कुछ सीखा है निकिता जी से और साथ ही साथ निकिता जी ने भी शायद मेरे से थोड़ा बहुत सीखा होगा। वाओ, ओके, दैट इज अ वेरी वेरी फन इंट्रोडक्शन। निकिता, कैन यू इंट्रोड्यूस लवजीत टू आवर ऑडियंस? यस, सो जब मेरे को लवजीत मिला था तो आई वाज वेरी वेरी वरिड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लवजीत बिल्कुल बोलता नहीं है, उसको बुलाने के लिए क्या करना है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद एक एक्सट्रीम काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी हूँ, या तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी या बिल्कुल नहीं बोलूँगी। तो इट वॉज अ वेरी मिक्स काइंड ऑफ कंसर्न, बट आज की तारीख में बोलूँ तो लवजीत इज़ अ वेरी चैटर बॉक्स। अगर फ़ोन आता है लवजीत का तो मुझे एक पॉज लगाना था, अच्छा लवजीत वेट, एंड वन इंस्टेंट इंसिडेंट्स आई रिमेंबर, सुमन के साथ ही हैड अ कॉन्वर्सेशन व्हेन ही वांटेड टू नो अबाउट सोशियोलॉजी। सुमन वॉन्टेड हिम टू आस्क सम क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन करने के बाद लवजीत ने ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक आंसर भी दिया, एंड देन सुमन टेक्स्ट में मुझे बोलने की चांस कब मिलेगी। So I think that is the transformation that I have seen in Lovjeet, and that is how I would like to introduce him. Lovely. So I hope वो chatterbox यहाँ भी आया है आज, and not the old Lovjeet जो बात नहीं करता था। So and both of you have to be your chatterbox self, because our audience wants to see it. They want to know you. They want to know your stories. So let's get started. Nikita दीदी, बहुत time से आप हमारे साथ mentorship कर रहे हो, अलग-अलग roles कर चुके हो। Do you otherwise also volunteer at different places? How did you decide to volunteer with Clay Lab, and how come a mentorship program? Yes, so social cause is like very much associated with me. Agar main bolu to maine for a longest period of time I have been associated primarily with education as a social cause. Prior to Clay Lab, I was teaching students of grade 12 at in Bihar board through a school. Like it was an organization that was connected to a school. So that is how it happened, and I also developed something on my side where I support girls and education. So that is what I see myself doing, and I keep volunteering. That is lovely. So maine suna hai ki Lovjeet ko bhi social worker banna hai, and he is interested in working for these different causes etc. So I think it's perfect that Nikita herself itni zyada committed hai to social work and different causes, and aapko aisi mentor mili jo एकदम आपका वो पैशन शेयर करती हैं। What was your first impression, Lovjeet? So मैं स्टार्टिंग से बताऊं, तो मैं मतलब डरा हुआ था। मैंने कहा पहली बार कोई अनजान व्यक्ति से बात करूंगा, चाहे कॉल पे भी पर बात करूंगा, मतलब मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बात कर पाऊंगा। बट जब मैं मिला तो मैं सोचा कि हाँ, अपने अपने तरफ से मतलब एक जैसे तो लोग हैं हम सब, तो मैंने बात करना शुरू करी। पहली बार तो बहुत डर लगा कि बात कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जब धीरे धीरे मतलब बात करना शुरू करी तो मैं एकदम कंफर्टेबल हो गया बिल्कुल, कि जो पूछना है सीधा पूछ लेना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो गंदा हो, पूछ लेना। I remember one incident. So I think it was first or the second call where he was scolded in school because of asking somebody some question. So the teacher was saying something and he asked a question and the teacher thought that he was talking. And there was some other person talking. And now the teacher, as usual, जैसे एक background में होता है, shunted, he shunted him and scolded, etc. So he came back very sad, I'm sad today, and didi aise se hua.
So I remember I just told him one thing. If you are not wrong, just go and talk to the teacher because voicing your concern is really important. And then letting the teacher know कि आपने मुझे ठीक है डाटा as a teacher you have that responsibility and authority. But आपने सबके सामने एक particular way में डाटा that gives a signal कि हर कोई उस particular way में बात कर सकता है. And I think that was the first time he spoke up. And the teacher also responded very humbly to him, and there was nothing that happened since last 6-7 months like this. And I think that is where he would agree that he got those changes. Now he's upfront to everything he wants to. If it's not okay with something, he would simply say, "Didi, nahi, ye nahi, aise nahi hoga." So I think from a first instance, yes, a shy student, because also I also had that in the back of the mind having an interaction with you when he was mapped with me. But I think that voicing step, that first step was very crucial, and that made the change in him. That's lovely. Thank you so much for sharing that, both of you. Question to Lovejeet. आप दोनों में एक obvious similarity क्या है, दीदी और आप में? कि हम एक दूसरे को time देते हैं, मतलब. That is nice. आप दोनों एक दूसरे के लिए time निकालते हो. Lovejeet, निकिता दीदी का एक hidden talent क्या है? Hidden talent ये है कि अगर एक चीज मांगो तो वो 10 चीजें ला के दे देंगी. अगर मैंने एक चीज के बारे में ये पूछा तो वो 10 चीजें ग्रुप में सेंड कर देंगी कि ये है, जो अच्छा लगे वो एक बार बता देना कि ये अच्छा लगा और उसके बारे में फिर पढ़ेंगे बात. निकिता, व्हाट अबाउट यू? व्हाट इज लवजीत्स हिडन टैलेंट? आई थिंक हिज टैलेंट इज टू जस्ट गो एंड पुट हिमसेल्फ इनटू थिंग्स एंड जस्ट ट्राई इट. होगा नहीं होगा, कैसे होगा, पहले एक बार मैं ट्राई करूंगा तब मैं आपके पास आऊंगा. सो दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन स्कूल एट क्ले लैब एवरीवेयर. आई लव दैट स्पिरिट. अनदर क्वेश्चन अबाउट लवजीत टू यू निकिता, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम लवजीत? आई थिंक व्हेन आई वाज इन यूएस इट वाज लाइक अ वेरी टफ टाइम इन टर्म्स ऑफ नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट टाइम ज़ोन्स एंड माय स्लीप साइकिल वाज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट एंड बट आई थिंक वी हैड वेरी मच लाइट हार्टेड कन्वर्सेशंस. ही यूज्ड टू आस्क मी हाउ इज योर डे. And one thing that I always appreciate in him is every phone call or session he has, his first question is to ask is, Didi, aap kaise ho? Not just waiting to, just for me to tell, etc. So, and even in messages, his first line would be, Didi, aap kaise ho? And then he will ask a question or something. So I think that's how he's been very supportive. And throughout that time, he was very supportive. He used to ask me things, ask me to narrate activities I used to do, etc. So that I feel okay, somebody's listening to me. There is something beyond I can help him with, I can understand. And he's very open in his feedbacks, open in his whatever he feels like. Agar usko kuch theek nahi laga, Didi, mujhe ye theek nahi laga. Can we move back to a different way of doing it or something? So I think that way is, I think, more than learning, there is the support system because you always have somebody who can listen to and somebody to ask you, because nowadays offices, house, everybody has their shoes they are put into and have to play their roles. So I think that's how he has been very, very supportive. And that phase, that 4 months, I think I had him. Lovely. That is so sweet to see you both being there for each other. Lovejeet, ऐसे बहुत सारे नए बच्चे हैं आपके स्कूल के और बाकी स्कूल के जो अभी मेंटरशिप शुरू करने वाले हैं. What message do you have for such students जो अभी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं? So, जो भी अभी नए मेंटर्स या मेंटर्स आने वाले हैं उनके लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो एक दूसरे को अच्छे से जानो कि मतलब कि क्या चीज़ें हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको बुरी लगती हैं, तो शायद उससे ही रिलेशनशिप आगे बिल्ड होते हैं. तो मतलब एक दूसरे को कंफर्टेबल करो, नॉर्मल कन्वर्सेशन करो, और उससे लोगों को भी बेटर लगता है, मतलब जो मेंटर है उसको भी बेटर लगेगा और जो मेंटी है उसको भी बेटर लगेगा. जितना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो अपने मेंटर के साथ उतना करो, क्योंकि शायद कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए कि मैं यहाँ फंसा हूँ तो मुझे हेल्प चाहिए, तो मेंटर आपको हेल्प जरूर करेगा. कनेक्शन इस तरह से बिल्ड करो. विद दैट वी प्रीटी मच डन, बट आई हैव वन क्वेश्चन जो मुझे पूछना ही है तुम दोनों से. दैट इज दैट यू नो पेयर्स हर हफ्ते का एक घंटा करने में भी कभी कभी स्ट्रगल करते हैं. आप दोनों हफ्ते के 6-6 घंटे कर देते हो कभी कभी. हाउ डज दैट हैपन? आई नो सम आवर्स आर ऑन कॉल, सम आवर्स आर चैट पे आप लोग बात करते हो, एक्टिविटीज करते हो. हाउ डू यू बोथ मेक सो मच टाइम फॉर ईच अदर? एंड कैसे वो एक्साइटमेंट कैसे मेंटेन रखते हो लवजीत की? मन करे कि हाँ 6 घंटे दे देंगे दीदी को, कोई दिक्कत नहीं है, या क्ले लैब को, आप लोग क्या करते हो ऐसे? तो मतलब
इतना तो मुझे नहीं पता कि 6 घंटे कब बीत जाते हैं एक हफ्ते में। तो एक तरह से कंफर्टेबल स्पेस के थ्रू हम लोग इतना इंटरेक्ट हो पाते हैं एक दूसरे से। और अगर मैं कहीं भी हूँ ना, मतलब चाहे मार्केट में हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ये बताना चाहिए दीदी को, तो उसी टाइम मैं मैसेज या कॉल कर देता हूँ कि हाँ ये मतलब यूजफुल रहेगा या फिर ये मुझे यूजफुल रहेगा, निकिता दी बताएंगी, तो उसके थ्रू भी एक मतलब टाइम स्पेंड हो जाता है। या फिर कोई भी चीज मुझे ग्रुप में मतलब कहीं से मिली तो मैं पूछ लेता हूँ कि ये क्या है, मतलब मैं अनकंफर्टेबल नहीं होता, सीधा कंफर्टेबल होता हूँ और मैं पूछ लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली और यूट्यूब कम्युनिटी। तो होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा ये एपिसोड, और मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था इस एपिसोड को बताने में। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं आपको नए नए वीक में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।